हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं मतलब कुछ कर रही हूँ, तो साड़ी पहनी हूँ, तो बिंदी वगैरह लगाना अच्छा लगता है साड़ी में, तो वही लगा रही हूँ। और है सुबह का टाइम और परी उठ गई है, और बेड तो मैं क्लीन नहीं की। मैं पूजा कर चुकी हूँ, घर पूरा मैंने झाड़ू वगैरह कर लिया था और पूजा कर लिया था, और परी सो रही थी इसलिए बेड क्लीन नहीं हुआ था। तो बस अब बेड क्लीन कर दूंगी, और परी जहाँ मैं जा रही हूँ मेरे आगे पीछे जा रही है, और थोड़ा मतलब सुबह में उसको प्यार चाहिए होता है, तो मम्मा मम्मा ले ली, तो गोद में ले ली, तो पूरा खुश हो गई। तो मैं सबसे पहले बोल दूँ कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपको मुझे देखना अच्छा लगता है, मेरे चैनल को देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन होता है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ही वो मतलब चले गए हैं काम पे, उनका मीटिंग था, वो नहीं आएंगे आज। तो घर पे है मैं और परी, तो मुझे लगा कुछ वीडियोस वगैरह बनाना था, तो मैं उसी की वजह से साड़ी पहनी, सोचा ब्लॉग भी कर लेती हूँ साड़ी पहन के ही। कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट मन किया पहन लिया। और देख सकते हैं मैं बेड ठीक कर रही हूँ, परी सो के उठी तो उसको मम्मा बेड ठीक कर दो, मतलब बेड ठीक कर दो, तो वो उसको साफ बेड में टीवी देखना होता है, बैठ के आराम से ब्रश करेगी और बैठ के टीवी देखेगी, अपना ब्रेकफास्ट लेगी। तो मैं फटाफट से अपना बेड क्लीन कर रही हूँ, और ये हम लोग को मतलब सुबह में ही करना चाहिए, बट मेरी बेटी सो रही होती तो मैं सुबह में कैसे करूँ, तो जब वो उठती है तब करते हैं। तो बस वो उठ गई है तो अब यही कर रही हूँ। जैसे कहा मैंने, टीवी चला दिया मैंने उसको, वो टीवी देखेगी और अपना वहीं पे ब्रश करेगी, ब्रेकफास्ट लेगी। तो बस पूछा मैंने कि क्या लोगी, तो बोल रही थी मुझे जैम ब्रेड खाना है, तो उसको भी जैम ब्रेड दूंगी, मैं भी जैम ब्रेड लूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी काम करने से प्यास लग जाता है, तो हल्का सा ग्लूकॉन डी घोल कर पी रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो पानी पूरा पीना चाहिए, तो बस वही है, पानी पीते रहती हूँ। और ये सारा बोतल वगैरह खाली हो गया सारा, मैं पानी भरूंगी। और बस जैम ब्रेड पड़ी को दूंगी, मैं भी लूंगी, वही मेरा भी सिंपल यही ब्रेकफास्ट होगा, जैम ब्रेड और बनाना। तो पड़ी अभी एक साथ पड़ी बनाना नहीं लेगी, उसको जैम ब्रेड दूंगी, और बनाना वो हो सकता है किसी टाइम में खाए, तो वो एक बार में हेवी नहीं लेती कुछ भी, वो थोड़ा थोड़ा खाती है, उसका थोड़ा थोड़ा खाने का आदत है। और बस ये मेरा ब्रेकफास्ट, जैम ब्रेड एंड एक बनाना ले ली मैं। तो हेवी नाश्ता इसलिए नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ज़्यादा खा लो ना तो कुछ कुछ करना मुश्किल हो जाता है, और थोड़ा मतलब मुझे आज मन कर रहा था कि मैं लाइट लूँ, तो बस लाइट यही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं परी को भी पढ़ाना है, तो उसको भी लेके बैठूंगी। रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस वगैरह बनाने थे, मैं थोड़ा रेडी हुई हूँ। सुबह से जो भी काम वगैरह की आप लोगों के साथ सारा शेयर की हूँ, अच्छे से एकदम शेयर हुआ है। और अभी पड़ी नहाने गई है, मैं उसको नहलाऊंगी, रूम वगैरह क्लीन कर ली थी,
भी आप लोग बताई ही। अभी पंडित नहलाऊंगी उसको, नहलाएगा उसको एक घंटे के लिए लेके बैठना है पढ़ाने के लिए, क्योंकि रोज एक घंटे के लिए बुक्स का जो होता है वो करवा लेती हूँ। बच्ची है तो थोड़ा सा उसको रिपीट करवाते रहती हूँ तो वो माइंड मैचेस सेट हो जाए। तो वो गई भी नहाने, उसको नहला देती हूँ, पूरा थक गई हूँ मैं कुछ वीडियोज बना था बना ली हूँ। और तो खाना भी हम लोग का तो हस्बैंड है नहीं, जैसे बोली हस्बैंड तो है नहीं, वो मॉर्निंग में चले गए थे, तो फ्रिज में मेरा सामान है। बड़ी बार बार बुला रही है वो, ना नहा रही है, मतलब वो खुद भी थोड़ा नहाती है तब वो मुझे बोलती है नहलाने के लिए, तो वॉशरूम में है वो। तो बस मैं अब फटाफट से पड़ी को पहले नहला देती हूँ, उसके बाद आप लोग से आराम से बैठ के बात करूँगी, ठीक है। और ये मैं प्लेट तो खोली हुई नहीं थी, तो प्लेट खोली वो वीडियो बनाने की वजह से, तो घर पे तो ऐसा साड़ी कभी मैं पहनती नहीं हूँ, तो आप लोग देखिए। और आपको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, कितना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो फटाफट से मैं मतलब अपना ये साड़ी चेंज करूँगी, अभी नहीं फरूख के पड़ी को नहला दूँ, उसको पढ़ा दूँ, उसके बाद खाना खाने से पहले चेंज करूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी। तो बहुत दिनों से ये साड़ी वाला वीडियो डिले हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं। चलिए मैं पड़ी को नहला के अब आप लोग को थोड़ी देर बाद मिलूँगी, और खाना में क्या है वो भी मैं कुछ देर बाद आपको बताती हूँ। खाना क्या, मेरी बेटी नहा रही है, मैं दिखा पाती ना दिखा देती आपको तो, लेकिन नहीं दिखा सकती इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए मेरी बेटी को मैं ड्रेस पहना रही हूँ, नहा ली मेरी बेटी गुडगल की तरह, वो मतलब बदमाशी करती नहीं है, उसको ये चीज़ अच्छा लगता है, वो नहाना पसंद करती है, नहा लेगी ड्रेस वगैरह पहन लेगी उसके अपना खेलती रहेगी। बस मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था तो मैं पानी पी रही थी, और परी को घूम नहीं की हूँ तो उसको बोली कंघी लेकर आऊँ, वो खुद लेकर आएगी, मम्मा मैं लाऊंगी, तो मैं बोली जाओ लेकर आऊँ, तो वही वो लाएगी। कपड़ा देखिए कितना ज़्यादा होता है, कल मैंने कपड़ा फोल्ड नहीं किया था, तो अभी मुझे वो कपड़ा सारा फोल्ड करना पड़ेगा। और ये पैंट में मैं देख रही थी कि पूरा किसी चीज़ का दाग लग गया है, पता नहीं क्या दाग है, तो उसको मैंने साइड कर दिया क्योंकि मुझे उसको फिर से वॉश करना पड़ेगा। और बस टी शर्ट वगैरह जो भी है मोड़ रही हूँ, पड़ी अपना इधर उधर करके खेल रही है मेरे आसपास, मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे लगी हुई है। सारा कपड़ा मैं डाल दे रही हूँ अपना कबर्ड में मोड़कर, और जीन्स वगैरह जो भी मेरे हस्बैंड का रहता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो दिन का कपड़ा हो जाता है, तो आज जो कपड़ा है वो मेरा दो दिन का ही है, दो दिन से पड़ा हुआ था, मैं उसको धो ही नहीं हूँ। और कपड़ा वगैरह बैठ के फोल्ड करना ज़्यादा अच्छा होता है, मैं बैठ के उतना कर नहीं पाती, बैठ के कुछ कपड़ा करती हूँ फिर खड़ी हो जाती हूँ। और बस यहाँ पड़ी को लेके बैठी हूँ, होमवर्क तो मैंने कल ही करा दिया था जो उसकी मिस 5 बजे आएगी, तो ये उसको बस बुक का मतलब रिवीजन होना चाहिए, तो बीच बीच में लेके उसको मतलब दिन भर में किसी टाइम भी एक बार लेकर बैठ जाती हूँ, बुक का पूछती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना, वो बताती है इतने अच्छे से, मतलब मुझे अच्छा लगता है, सारा कुछ बुक का बता पाती है अब, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसके पढ़ाई में। किचन में तो खाने का क्या प्लानिंग है, क्योंकि मैं आज कुछ खाना बनाई नहीं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड
रात को बात होगा फोन पे, तब पता चलेगा कि वो घर आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो कल मैं बनाई थी हाँ मीट बनाई थी, हाँ बेटा लगा दे। सो इसको पढ़ा रही थी, थोड़ा सा पूछी उछी बोल हो जाए, वो खेल रही है बैग लगाकर। जा रही है कहाँ जा रही है बेटा? तो हाँ मेरे हस्बैंड कल ही, मैं क्या कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि मेरे हस्बैंड कल नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा पता होता है, तो मैं जो भी बनाती हूँ वो थोड़ा थोड़ा बचा लेती हूँ, क्योंकि बड़ी तो गीला चावल खिचड़ी ये सब खा लेती है। जैसे मैंने उससे अभी पूछा तो वो बोल रही है मैं खिचड़ी खाएगी, तो उसका मैं खिचड़ी बना दूंगी। और मेरा क्या है, मेरा ना मैं कल मीट बनाई थी, तो मीट मेरा फ्रिज में रखा हुआ है, निकाल के दिखाती हूँ मैं, ठीक है। जितना है मेरा आराम से हो जाएगा, उसमें 2-3 पीस है, तो मीट मेरा हो जाएगा। बचा मेरे हस्बैंड मेरी बेटी का खिचड़ी, तो मैं अभी उसके लिए खिचड़ी चढ़ा दूंगी छोटे वाले कुकर में, बड़ा वाला कुकर तो यूज नहीं करूंगी, बच्चे का खिचड़ी कितना लगता है, तो ये छोटे वाला कुकर में बना देती हूँ, खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, उसका खिचड़ी हो जाएगा। और किचन को जो भी थोड़ा किचन मेसी है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लोगों ने बहुत लाइट लिया, मैं पड़ी एकदम पड़ी भी ब्रेड जैम ली, मैं ब्रेड जैम एक बनाना, और पड़ी को मैं अभी बनाना के लिए बोल रही हूँ तो बनाना लेना नहीं चाहिए, तो ब्रेकफास्ट एकदम लाइट था। और मैं फ्रिज से निकाल के दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। सो ये देखिए मैं फ्रिज से निकाल के लाई, एकदम ठंडा है। तो ये है, इतना सारा है, देख रहे इतना बड़ा बाटी है, ये इतना बड़ा बाटी है इसमें है, तो मेरा आराम से हो जाएगा, हो सकता है बच भी जाएगा, मैं पूरा खा भी ना पाऊं। तो ये है, तो मैं सिर्फ बनाऊंगी चावल, तो वो चावल मैं चढ़ाऊंगी अपने लिए प्लेन राइस, एंड पड़ी के लिए तो खिचड़ी बोल रही थी उसके लिए खिचड़ी। सो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कि आज मैंने साड़ी पहनी आप लोगों को कैसा लगा, और मैंने मेकअप किया हुआ है, थोड़ा सा मैंने मेकअप अप्लाई किया, आप लोग देख सकते हैं मैं कभी भी इतना मेकअप करती नहीं हूँ, मतलब आईलाइनर मस्कारा वगैरह, और सारा कुछ फैल रहा है। हाँ बेटा बनाओ, बनाओ बेटा तो बस पड़ी अपना खेल रही है, और मैं चढ़ाऊंगी दाल चावल चढ़ा देती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ, और बस यही सब काम है थोड़ा। इसको देखिए क्या कर रही है, बदमाशी और बदमाशी नहीं करो बाबा, नहीं करो। बस इधर से उधर आप लोग देख सकते हैं खिड़की से कितना ज़्यादा रोशनी आ रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा गर्मी है। बस यार मैं फटाफट से किचन को क्लीन करूँगी, और पड़ी के लिए खिचड़ी, अपने लिए चावल चढ़ा लूँगी, बस मेरा किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा। चक्कर में रहती तो मुझे इसका हेयर भी मैं बांधूंगी, गर्मी लग रहा है उसको पूरा,
क्योंकि मुझे इतना गर्मी लग रहा था, इसको भी गर्मी लग रहा होगा। तो बस अब मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, ड्रेस चेंज करके आप सबसे मिलती हूँ, ठीक है। मैं खाना खाऊंगी, खाना खाने बैठूंगी और ब्लॉग को भी एंड करूंगी। हाँ बेटा, सो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और अब मतलब क्या हो रहा था ना, परी भी अकेले हो गई, उसके पापा नहीं है तो उसको टाइम था, उसको टाइम देना पड़ेगा, तो मुझे बार बार कुछ ना कुछ बोलती है, बार बार कुछ ना कुछ बोलती है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं ड्रेस चेंज कर लूँ, और देखिए तुरंत ड्रेस पहनी और पसीना आना स्टार्ट हो गया। बस अब ड्रेस चेंज कर ली हूँ, अब मैं परी को टाइम दूँगी, हम लोग खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, मैं ब्लॉग को अभी एंड करूँगी और देखी चावल हुआ है कि नहीं, चले चलते हैं। रुको बेटा, टीवी चला दे रहा है, अब उसको टाइम देना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड रहते हैं तो उसके साथ खेलते हैं, तो उसको मन लगता रहता है, उसके पापा भी है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, बच्चे को टाइम देना तो पड़ेगा। तो सीटी खुल गया, तो हम लोग अब खाना खाएंगे, ठीक है। मैं आप लोग से मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग जरूर बताइएगा, मेरा आज का ये इतना मेहनत करके मैं ब्लॉग बनाई, आप लोग को कैसा लगा मेहनत, इस सेंस में मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ कि धूप का देखिए कितना ज्यादा रोशनी है, देखिए धूप का इतना ज्यादा रोशनी है, फिर भी मैं मतलब सोची कि नहीं साड़ी पहन के ब्लॉग बना दूँ। बहुत दिनों से नहीं बनाई थी और सब पसंद करते हैं मुझे साड़ी पहनना, मैं जो साड़ी पहनती हूँ सबको पसंद आता है, तो मुझे लगा नहीं बनाना है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप धूप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं परी का फोन ही करूँगी, अपना बाल बांधूंगी, क्योंकि अब हो गया ब्लॉग। बहुत अचानक से मैं साड़ी जब निकाली तो वेदर एकदम क्लाउडी था, तो मुझे लगा चलो अच्छा वेदर है, वीडियो बना लेते हैं, आज साड़ी पहन के वीडियो बनाते, बट वेदर इतना ज्यादा गर्मी कर देगा, इतना गर्मी कर देगा, क्या बेटा ये देख रहे हैं तंग कर रही है, बोलने ही नहीं दे रही है, धया धया कर रही, उससे क्या होगा कि आप लोगों को सारा आवाज ही कट जाएगा। सो ये वाला पहनी थी, अब वो क्या फूलों तक ब्लाउज था ना, तो उसमें ऐसा चल जाएगा, तो दो दो डाली हुई थी। तो बस अब मैं इसको एंड कर रही हूँ, जरूर बताइएगा कैसा लगा, मैं बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और जो भी अगर सुन रहे होंगे मुझे अभी, अगर मैंने आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बाय 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 बाय।